हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सलवार की मोहरी बनाना बताऊंगी, एक नए डिज़ाइन की सलवार की मोहरी। उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है और ये देखिए, इसका माप ले लेते हैं। ये आप बिल्कुल आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। आप चाहें तो 3 इंच का भी ले सकते हैं। मैंने 3 से एक पॉइंट कम लिया है, तो आप 3 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, वो आपकी जैसी भी मर्जी हो। आप वैसा ले सकते हैं बुकरम, जैसी भी आपको अपने सलवार पे अगर चौड़ा बुकरम लगाना है तो आप चौड़ा लगा सकते हैं, और अगर आपको छोटा लगाना है 2 इंच का या 3 इंच का, तो आप वैसे ले सकते हैं। ये मेरा बुकरम है, ये चिपकने वाला बुकरम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सलवार का कपड़ा है उस पर इसको टांक लेंगे। तो इसको मैं सलवार पे जो है टांक रही हूँ, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको जो है कच्चा सिलाई जो है इस पर कर दी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी डिज़ाइन बनाना। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये सलवार के कपड़े के और ये देखिए सूट के कपड़े के टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आपको टुकड़े कर लेने हैं। ये लगभग मैंने, अगर इंची टेप से नापा जाए तो देखिए 3.5 इंच से थोड़ा सा एक पॉइंट कम जो है मैंने रखा है। तो आप इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। अब हम इन टुकड़ों को इसमें लगाएंगे, यानी डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं एक टुकड़ा लूँगी, इस तरह से हमें फोल्ड करना है कपड़े को। इस तरह से ये हमें समोसे की शेप देना है। ये देखिए, समोसा टाइप से ये बन गया है। तो इसी तरह से हमें ये जो हमारा येलो है इसका भी इस तरह से एक समोसा बना लेना है, और इसी तरह से हमें जो ब्लू कलर का हमारा कपड़ा है उसका भी एक समोसा तैयार करना है। तो इस तरह से समोसे तैयार करेंगे हम, और इसको जो है इस पर लगाएंगे। ये जो हमारे इसका बुकरम का एक्स्ट्रा कपड़ा है जोड़ने वाला, आप चाहें तो इसको इस तरह से पलट लें, और अगर आप नहीं पलटना चाहते हैं तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये कपड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो बुकरम अंदर से दिख रहा है, तो मैंने इसको कट नहीं किया है। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकती हैं। तो फिर ये हम, ये जो हमने समोसे काट के रखे हैं वो हम इस पर जोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल बीच से हमें ये जो समोसे हैं अपने, उन्हें जोड़ना है। येलो कपड़े के बाद नीला कपड़ा लगाना है, और ये देखिए, येलो कपड़े के बाद हमने ये वाला कपड़ा लगाया है, और फिर ये वाला कपड़ा लगाया है। इस तरह से हमें ये पूरी डिज़ाइन जो है तैयार कर लेनी है। एक बात का याद रखिए आप, कि जो ये सिलाई हम जो लगा रहे हैं वो हमें साइड से लगानी है। तो शुरू में मैंने थोड़ी सी सिलाई बीच में लगाई है, जिससे कि ये कपड़ा जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम सिलाई जो है साइड से लगाएंगे। ये जो हमारा बुकरम ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। तो हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें जो है सिलाई लगानी है, और इसी तरह से हम जो ये अपने समोसे हैं वो इस पर जोड़ते जाएंगे।
ये इस तरह से मैंने जो है एक समोसा बनाया, और ये समोसे को हम इस पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें ये जो है हमारे पूरे पैची की डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये जो है डिज़ाइन तैयार हो गया है इसका। और ये हमने इधर साइड से सिलाई लगाई है, और अभी एक सिलाई हमें इधर से लगानी है। तो इधर से सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से डिज़ाइन दिखेगी। तो ये इधर से भी जो है मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए। और अब हमें इसको उल्टा करना है। तो ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है वो हम निकाल देंगे और इसको उल्टा करेंगे। अब हम जो है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और उससे पहले हमें इसको पलटना है। तो इस तरह से हम जो है इसको पलट लेंगे, और पलट के इस तरह से जो है हमें एक डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए इस तरह से। हम अब सिलाई लगाते जाएंगे और ये जो हमारे समोसे की डिज़ाइन हमने बनाई है इसको पलटते जाएंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है हमें इस तरह से रखना है, और बीच में ये जो हमारे समोसे हैं इनकी नोक के जो बीच में है हमें सिलाई लगानी है। तो समोसे को जो है हम एक दूसरे के ऊपर पलटते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की ये जो है डिज़ाइन बन के आई है। इस तरह की ये डिज़ाइन बन गई है हमारी। तो अब जो हम हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमें लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो उसको हम काट देते हैं। तो ये कैंची है, कैंची से जो हमने ये जो लाइन बनाई है ये सिलाई से इधर को हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए मैंने कट कर दिया है। इसी तरह से इस साइड भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जो सिंपल सीधी पट्टी है वो काट ली है, और अब हमने जो हमारी ये पैंची की डिज़ाइन तैयार की है, तो उसके किनारे किनारे हमको ये येलो कलर की पट्टी है जो लगा देना है। आप जितनी भी मोटी पाइपिंग रखना चाहें उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये पाइपिंग मैंने लगा दी है, और अब इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, और आपको जितनी भी मोटी पाइपिंग रखनी हो उस हिसाब से पाइपिंग लगा लेते हैं। तो एक साइड ये पाइपिंग जो है हमारी लग गई है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पाउचा जो है रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। और अब इस डिज़ाइन को हम जो हमारी सलवार है उस पर लगा लेते हैं। तो मैंने ये सलवार जो है उल्टी साइड से रखी है, ये देखिए उल्टी साइड से ये मैंने सलवार रखी है, और ये हमारा पोंचा है। तो पोंचे को हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। सीधा पोंचा रखना है, ये जो हमने पोंचा जो बनाया है इसको हम सीधा रखेंगे, सलवार को जो हम उल्टा रखेंगे, और हम एक सिलाई जो है इस पर लगा देंगे।
तो इस तरह से हम सारी सिलाई लगा देते हैं।